बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त जो है एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अली एक्सप्रेस आप लोगों को मालूम है, अगर आप लोग अली एक्सप्रेस के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड होने की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ नया पे का जो वीज़ा कार्ड है उसके थ्रू आप लोग अली एक्सप्रेस से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप लोगों के पास नया पे का जो वीज़ा कार्ड है अगर वो अवेलेबल है तो आप लोग ईजीली अली एक्सप्रेस से कोई भी आइटम परचेज़ कर सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए। कैसे जो है आप लोग यूज़ करेंगे पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा, और यहाँ पे आप लोगों को ये कार्ड नया पे का यूज़ करके दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पे एक आइटम जो है वो परचेज़ कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ। और अली एक्सप्रेस के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने यहाँ पर अली एक्सप्रेस से कैसे पाकिस्तान में अगर कोई भी चीज़ मंगवानी है तो आप लोग कैसे मंगवाएंगे, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो इस चैनल पे आप लोगों के साथ ज़रूर अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। दोस्तों, यहाँ पर मैं अली एक्सप्रेस की वेबसाइट में आ चुका हूँ, और यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी आइटम जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी आइटम जो भी आप लोग बाय करना चाहें वो आइटम आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों को नया पे का जो वीज़ा कार्ड है वो यूज़ करते हुए आप लोग कैसे ऑनलाइन जो है अली एक्सप्रेस से शॉपिंग करेंगे वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कार्ट में कुछ आइटम रखा हुआ है, तो एक आइटम मैं अभी बाय कर रहा हूँ जो कि आप लोगों को जस्ट सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये एक माउस है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे अभी इसको चेकआउट कर लेता हूँ। और ये जो माउस है वो तकरीबन मुझे 227 रुपये में, जो डॉलर के हिसाब से वो $1 में मिल रहा है, तो अभी जो 227 रुपया इसकी प्राइस है, तो अभी इसको मैं बाय कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोगों की एड्रेस जो है वो यहाँ पे मेंशन होती है, एड्रेस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, और जो भी आप लोग एड्रेस देंगे वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने चेक कर लेनी है, अच्छे तरीके से देनी है। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने अपना सही तरीके से देना है ताकि आप लोगों को पता चल सके इस बात का, ठीक है। बाद में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के ईमेल और कॉन्टैक्ट पे आएगा। अब यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर पे कर लेता हूँ क्लिक। मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे एड अ न्यू कार्ड, आप लोगों ने यहाँ पे कार्ड की जो डिटेल है वो देनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेरीफाइड जो कार्ड है, यहाँ पे आप लोग इन कार्ड के जरिए जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त नया पे का जो कार्ड है वो एक जो है ना इसकी फ़ीस है कोई भी, जो भी बाकी अदर बैंक्स हैं उसकी जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। ये जो वॉलेट अकाउंट है इसमें ये फैसिलिटी है कि आप इसमें से जो वीज़ा कार्ड है वो फ्री में हासिल कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने अपना कार्ड नंबर जो है वो इंटर कर लेना है। जो भी कार्ड नंबर आप लोगों का जो नया पे का होता है वो आप लोगों ने कार्ड नंबर एंटर कर लेना है। तो उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे नाम जो है वो जो कार्ड के नाम ऊपर होता है वो आप लोगों ने एंटर कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों की कार्ड की एक्सपायरी डेट होगी वो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर कर लेनी होगी। और यहाँ पर CVV जो पीछे तीन तरह का नंबर होता है जो सिक्योरिटी जो के हिसाब से, तो वो CVV कोड जो वो आप लोगों ने पीछे कार्ड के होता है वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आगे जाना होगा। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल जो है फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी पूरी डेबिट जो कार्ड है, जो वीज़ा कार्ड है नया पे का, उसकी यहाँ पे मैंने डिटेल जो है वो इंटर कर दी है। आप लोगों ने सही तरीके से इंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेव एंड कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेव एंड कन्फर्म पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारी पेमेंट जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। योर ऑर्डर विल बी प्रोसेस इन USD। तो यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर कार्ड है वो हमारा एड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं पे नाव पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने पे नाव पे क्लिक किया है
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक और पेज ओपन हो जाएगा और कंफर्मेशन जो है वो आएगी और यहाँ पे एक और पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो अभी सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली, थैंक यू वी आर रिसीव योर पेमेंट। तो हमारा जो ऑर्डर था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंफर्म हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे चेक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक जो है चेक कर सकते हैं जो भी आप लोगों का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को तरीक़ेकार बता दिया है आप लोग कैसे यूज़ करते हुए नया पे का डेबिट कार्ड आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने ही जो है वो चेक किया है और ऑर्डर किया है और ये नया पे का डेबिट कार्ड है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर करें और मज़ीद कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।